Today I am going to start generative adversarial network. Generator means something कुछ generate करने वाला, इसके word से ही clear है. Something is related to generator, right? Generate करने वाला कौन होता है? Suppose that कि fake data बनाने वाला, ठीक है. जैसे आपका रियल नोट है, उस रियल नोट आजकल मार्केट में आपने सुना होगा कि जाली नोट बन गए हैं, फर्जी नोट बन गए हैं. तो जो रियल नोट की कॉपी करके उसी के इक्विवेलेंट फेक नोट बना रहा है, तैयार कर रहा है, वो क्या होता है? जनरेटर होता है. और एक वर्ड है डिस्क्रिमिनेटर. डिस्क्रिमिनेटर का मतलब होता है पक्षपात करना, डिफरेंशिएट करना, दोनों में क्या डिफरेंसेस है उसको फाइंड आउट करना. तो जो डिस्क्रिमिनेटर है, डिस्क्रिमिनेटर क्या फाइंड आउट करेगा कि रियल नोट और फेक नोट में क्या अंतर है, दोनों में अंतर आइडेंटिफाई करके वो बता देगा कि ये नोट रियल है कि फेक है. तो इसकी ये मीनिंग हुआ, इस मीनिंग से कोई भी टॉपिक उठाने से पहले उसकी मीनिंग क्या है वो समझ लेनी चाहिए, तो टॉपिक इजीली समझ में आ जाता है. जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क को शॉर्ट में बोलते हैं GAN, राइट? आई थिंक ऑलमोस्ट पीपल हैव ज्वाइंड, सो आई शुड स्टार्ट क्लास. आई एम ऑडिबल टू एवरीबडी ना? यस सर. यस सर. ओके. सो जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग. जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क आर द जनरेटिव मॉडल. They create a new data instance that resembles your training data. In your training program, suppose that you are working with a adversarial network, generative network, and discriminative network. Suppose that you want to create an image that look like a photograph of human face. जो नीचे photographs लगे हैं, इन्हीं की equivalent एक image आप create करना चाहते हो. जबकि ये रियल इमेज नहीं है, बिकॉज इवन दो दिस फेस डोंट बिलोंग्स टू एनी रियल पर्सन, किसी रियल पर्सन से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, बट दीज इमेजेज वर क्रिएटेड बाय जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क. फेक इमेजेज क्रिएट किए गए, इट्स नॉट अ रियल इमेज, बट देखने में लग रहे हैं बिल्कुल रियल जैसा ही. बहुत कम लोग इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये रियल है कि फेक है. इसी को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास जनरेटर का कॉन्सेप्ट आया, सॉरी डिस्क्रिमिनेटर का कॉन्सेप्ट आया. डिस्क्रिमिनेटर विल आइडेंटिफाई दीज इमेजेज आर रियल आर फेक. सपोज दैट इफ यू आर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नोट्स, सो सम डुप्लीकेट नोट्स इन द मार्केट्स एंड जनरल पर्सन्स दे डिड नॉट आइडेंटिफाई इट्स अ डुप्लीकेट नोट्स आर रियल नोट्स. But generator who has created these nodes, fake node, jali node, they can identify, as well as discriminator, bank managers, bank karmchari will also identify this node is real or fake. Are those person who have trained in the financial sector, they can also identify. It's a real notes are fake. So, generative adversarial network achieve the level of realism. Reality को achieve करता है generative adversarial network by pairing a generator, generator का help लेके, which learns to produce the target output. जो कि लर्न करता है हमें टारगेट आउटपुट क्या प्रोड्यूस करना है विद अ डिस्क्रिमिनेटर, डिस्क्रिमिनेटर की हेल्प से.
तो इसमें दो पैरामीटर वर्क करते हैं, एक जनरेटर पैरामीटर वर्क करता है, दूसरा डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर के पास कुछ इनपुट डेटा आया, उसने कुछ भी देखा, नोट देखा, किसी का फेस देखा, किसी का इमेज देखा, वो तुरंत उसकी डुप्लीकेट कॉपी, फेक फेक कॉपी बना के तैयार कर देगा। वो एक्सपर्ट होता है इसमें, ट्रेंड होता है। बट डिस्क्रिमिनेटर का रोल ये है कि वो आइडेंटिफाई करे कि ये डेटा हमारा इट्स अ रियल डेटा और फेक डेटा। जनरेटर का वर्क क्या होता है, जनरेटर ट्राइज टू फूल द डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है। और डिस्क्रिमिनेटर का वर्क क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटर ट्राइज टू कीप फ्रॉम बीइंग फूल्ड। वो फूल ना बन पाए इससे वो बचना चाहता है। कैसे बचेगा, उस चीज को आइडेंटिफाई करके। ठीक है, जैसे कि होता क्या है, हम लोग घर में जाते हैं तो हम लोग जो छोटे बच्चे हैं वो जनरली होता क्या है, कुछ समझाने लगते हैं पापा जी लोगों को। तो पापा जी लोग ऑलरेडी पहले से डिस्क्रिमिनेटर होते हैं, समझदार होते हैं, तो वो बच्चों के समझाने से क्यों समझने जाए, उनको तो सारी चीजें पता है। घर में मम्मी जी लोग भी कुछ समझदार होती हैं, दादी जी लोग थोड़ी कम समझदार होती हैं, जो बच्चे कहें वो मान लेती हैं कि हाँ बच्चा कह रहा है तो सही कह रहा है। स्कूल में बच्चा लड़ाई करके आया तो वो जाके दादी जी से कह रहा है, समझा रहा है कि दादी जी वो हमारा फ्रेंड एक है, उसने गलती किया था और उसने हमसे लड़ाई कर लिया। वो वही चीज पापा से कहेगा तो पापा समझ जाएंगे कि बेटा जरूर तुमने भी कुछ ना कुछ स्टार्टिंग किया होगा तभी वो किया होगा, ऐसे तो कोई एक आदमी लड़ाई कर नहीं लेगा। और अगला बंदा हो सकता है कि घर में कोई और लेडीज हैं या वो कोई और पर्सन है, तो वो हो सकता है मान ले बच्चे की बात, हो सकता है बच्चा झूठ बोल रहा हो, मूर्ख बना रहा हो, उसी बच्चे की ही गलती है, तो मान ले उसकी बात, नहीं नहीं मेरे बच्चे की गलती हो ही नहीं सकती, अगला बच्चा ही गलती किया होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेटर मूर्ख न बनने पाए इससे वो बचता है, और जनरेटर मूर्ख बनाने की कोशिश करता है। अब फेक नोट, अगर जाली नोट है तो जाली नोट जनरेटर बना करके तैयार कर रहा है, उसने 100 का नोट्स देखा, 100 की नोट्स के इक्विवेलेंट उसी कॉपी बना के तैयार कर दिया। अब वो मार्केट में ला करके उसको सप्लाई कर रहा है, तो जो उसको नहीं पहचान पा रहा है, मार्केट में जितने भी कस्टमर्स हैं उनको दे रहा है, जो नहीं पहचान पा रहा है वो भी मूर्ख बन जा रहा है, वो तो मूर्ख बनाने की कोशिश कर ही रहा है जनरेटर। बट जो एक्चुअल डिस्क्रिमिनेटर है, जो एक्सपर्ट है, ट्रेंड पर्सन है, वो नोट जैसे ही हाथ मिलेगा तुरंत पहचानेगा इट्स अ फेक नोट और रियल नोट। सो वो मूर्ख बनने से कोशिश करता है, अवॉइड करता है। नाउ कम ऑन द ओवरव्यू ऑफ जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। एडवर्सियल, व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्सियल? एडवर्सियल का मतलब क्या होता है, एक अपोजिट, मतलब विरोधात्मक, विरोधी जिसको कह सकते हो, कि एक पॉजिटिव पर्सन है तो उसका उसके अगेंस्ट एक अगला बंदा, जैसे पॉलिटिक्स में आप देखते होगे विपक्ष में लोग बैठे होते हैं, ठीक है, जिसकी गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में लोग बैठे होते हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, लोकसभा में डिस्कशन करने के लिए। तो एडवर्सियल का मतलब अगर ये हम देखें कि जनरेटर का एडवर्सियल कौन है तो डिस्क्रिमिनेटर है, और डिस्क्रिमिनेटर का एडवर्सियल कौन है तो जनरेटर है, दोनों वर्स एक दूसरे के वाइस वर्सा। सो जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क हैज टू पार्ट्स, दैट इज जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर लर्न्स टू जनरेट द प्लॉजिबल डेटा, मींस फेक डेटा। कैसे, वो ट्रेनिंग लेता है कि हम एक फेक डेटा कैसे जनरेट करें। द जनरेटेड इंस्टेंस बिकम द नेगेटिव ट्रेनिंग एग्जांपल ऑफ द डिस्क्रिमिनेटर। वो डिस्क्रिमिनेटर के लिए नेगेटिव ट्रेनिंग बन जाता है। और डिस्क्रिमिनेटर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटर लर्न टू डिस्टिंग्विश द जनरेटर्स फेक डेटा फ्रॉम रियल डेटा। मतलब जो रियल डेटा से जो फेक डेटा बना है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है डिस्क्रिमिनेटर। और जैसे ही फाइंड आउट कर लेगा देन पेनलाइज द जनरेटर,
जनरेटर को पेनल्टी, जनरेटर के ऊपर पेनल्टी भी डालेगा कि यू हैव डन मिस्टेक, सो दिस इज द पेनल्टी फॉर यू बिकॉज यू हैव क्रिएटेड द फेक डेटा। जैसे जाली नोट या फेक नोट बनाने वाले जो होते हैं मार्केट में, अगर पकड़े जाते हैं तो उनके अगेंस्ट FIR भी होता है, केस भी चलता है और कुछ पेनल्टी भी उनके ऊपर लगता है कि आपने ऐसा निगेटिव ट्रेनिंग, वो कहीं ना कहीं से निगेटिव ट्रेनिंग लिए हैं। नहीं, वो जनरेटर के लिए पॉजिटिव ट्रेनिंग हुआ लेकिन डिस्क्रिमिनेटर के लिए निगेटिव ट्रेनिंग हुआ। वो अपने हिसाब से वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अपने हिसाब से पॉजिटिव कर रहे हैं लेकिन दूसरे के हिसाब से वो निगेटिव है। तो डिस्क्रिमिनेटर का रोल क्या होता है? डिस्क्रिमिनेटर विल डिस्टिंग्यूश द जनरेटर्स फेक डेटा फ्रॉम द रियल डेटा एंड विल पेनलाइज टू द जनरेटर फॉर प्रोड्यूसिंग सच टाइप ऑफ रिजल्ट्स। तो ये पूरा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम्स है, यहाँ पे तो हम सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहे हैं क्योंकि इसके डिटेल में बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है और अभी इस लेवल पे आप उसको ग्रैब भी नहीं कर पाओगे। सो लुक सम इमेजेज, स्क्रीन इज विजिबल ना? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। लुक एट दिस इमेजेज, फेक, रियल, रियल। फर्स्ट इमेज, सेकेंड इमेज, थर्ड इमेज, देर आर थ्री इमेजेज। लुक एट दिस इमेज। फर्स्ट इमेज में ट्रेनिंग प्रोग्रेसेस, ये मतलब एक तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम ही है, सिखाया जाता है। जैसे कैंप लगते हैं, कुछ लोगों को ट्रेनिंग्स दिया जाता है, ट्रेनिंग में सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो जो चीजें ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं वही चीज, चाहे वो ट्रेनिंग पॉजिटिव के लिए हो या नेगेटिव के लिए हो। भाई कुछ लोग अपने घर में ट्रेनिंग अपने बच्चों को देते हैं कि बेटा लड़ाई झगड़ा किया करो, खूब किया करो, उन्हें वही अच्छा लगता है। अब कुछ लोग ट्रेनिंग देते हैं कि नहीं, लड़ाई झगड़ा करना अच्छा नहीं है। तो बच्चे को जैसा ट्रेनिंग लोग देंगे वैसा ही बच्चा सीखेगा। तो ये देखिए, ये 10 रुपीज का नोट है या 100 का है, इमेज क्लियर नहीं दिख रहा है। चाहे जितने का भी नोट्स हो, फर्स्ट इमेज में कोई ना कोई नोट है, दिख रहा है ना? 10 हाँ, 10 का है, अभी को दिखा, 10 का है और बीच वाला 100 का है, लास्ट वाला 20 का है। तो ये क्या है कि रियल नोट है, ग्रीन से लिखा हुआ है और ये नोट बन रहा है उसी के इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, फेक नोट बनाने की कोशिश कर रहा है, अभी बन करके तैयार नहीं हुआ है, बनाने की कोशिश कर रहा है। सेकंड फेज में भी वही है, ये रियल नोट है और इसी की इक्विवेलेंट फेक नोट बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी देखो एक थोड़ा सा छोटा सा इमेज बनाया है, उसी को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोशिश कर रहा है सीखने की, कौन कोशिश कर रहा है? जनरेटर। तो डिस्क्रिमिनेटर का जब काम आएगा, अभी ये जनरेटर कोशिश कर रहा है, जब डिस्क्रिमिनेटर का काम आएगा तो डिस्क्रिमिनेटर दोनों को आइडेंटिफाई करेगा, इसमें रियल कौन सा है, फेक कौन सा है। लास्ट में फाइनली, इफ जनरेटर ट्रेनिंग गोज वेल, अगर जनरेटर का ट्रेनिंग अच्छा सा चला गया और अच्छे से सीख लिया उसने, द डिस्क्रिमिनेटर गेट्स वर्स एट टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड फेक, इट इज स्टार्ट टू क्लासिफाई फेक डेटा एज अ रियल एंड इट्स एक्यूरेसी डिक्रीजेज। ये देखिए लास्ट इमेज में, ये ट्रेनिंग सीखते सीखते जनरेटर ने क्या कर लिया कि उसी की इक्विवेलेंट रियल नोट की तरह एक रियल नोट देखने में लग रहा है बना लिया। अब डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, इन दोनों नोट्स में आइडेंटिफाई कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होंगे, वो आइडेंटिफाई करेगा। लुक एट दिस डायग्राम्स ऑफ होल सिस्टम, दिस इज अ रैंडम इनपुट। रैंडम इनपुट कहाँ से आएगा भाई? कोई भी अगर फेक चीजें बनेंगी उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनेगी, तो डुप्लीकेट कॉपी के लिए कहीं ना कहीं हमने कह दिया बेटा इसका इमेज बना दो, फेस बना दो, बिल्कुल इसी की तरह। तो आप कहोगे ना, सर हमें इमेज तो दिखा दो, किसका बनाना है, कोई इनपुट तो दो हमें, विदाउट इनपुट कैसे बना सकते हैं?
तो एक इसमें दो बॉक्स है, एक रियल इमेज है और एक जनरेटर है। रियल इमेज की तरह ही सैंपल कॉपी, और जनरेटर क्या करेगा, रियल इमेज की तरह एक इमेज माइंड में लेगा, इनपुट लेगा और उसकी एक सैंपल कॉपी बनाएगा। अब दोनों सैंपल कॉपी डिस्क्रिमिनेटर के पास जाएंगे, डिस्क्रिमिनेटर रियल इमेज की कॉपी और फेक इमेज की कॉपी दोनों को आइडेंटिफाई करेगा और दोनों में डिफरेंसेस देखेगा कि दोनों में अगर कुछ डिफरेंसेस हैं तो क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो उसी को जितना डिफरेंसेस आते हैं वो लॉस में जाता है, वो डिस्क्रिमिनेटर के लिए भी लॉस होता है, जनरेटर के लिए भी लॉस होता है। मान लो कि जनरेटर के लिए लॉस ये होगा कि उसमें कुछ डिफरेंसेस आ गए तो अगर वो रियल चीजें नहीं बन पाई, डुप्लीकेट फेक हुई, तो क्यों फेक हुई और कितना लॉस आया उसी के इक्विवेलेंट उसको पेनलाइज किया जाता है। और डिस्क्रिमिनेटर के लिए लॉस ये है कि उसका एक ट्रस्ट बिलीव जाता है मार्केट से कि उसी के इक्विवेलेंट डुप्लीकेट कॉपी मार्केट में चल रही है। सो बोथ द जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर आर द न्यूरल नेटवर्क्स, दोनों न्यूरल नेटवर्क के ही एग्जाम्पल्स हैं। न्यूरल नेटवर्क के एग्जाम्पल में क्या होता है, जस्ट यू आर गेटिंग सम इनपुट डेटा एंड यू वांट टू प्रोसेस दैट डेटा। यहाँ पे प्रोसेसिंग क्या हो रहा है, जनरेटर वांट्स टू प्रोसेस दैट डेटा। सर एंड द जनरेटर आउट, सर क्या बोलिए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेटर फाइंड करने में गलती मतलब असमर्थ हो? मतलब नहीं समझे, सर इनपुट मतलब उसके उसके पास कोई भी। क्या ऐसा हो समझे सकता है कि बताइए। इतना ज्यादा रियल बना दे कि मतलब रियल और फेक में डिफरेंस ही ना पता कर पाए? बन सकता है, कोई नई बात नहीं है, और डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेटर कितना ट्रेंड है। अब जैसे फेक नोट मार्केट में मिलते हैं, आते हैं, तो उसको हर कोई थोड़ी पहचान पाता है, लेने वाला है तो डिस्क्रिमिनेटर है। जो पहचान गया वो उसमें आइडेंटिफाई कर लेता है, जो नहीं पहचान पाया उसको ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेटर कितना ट्रेंड है, उसको कैसा ट्रेनिंग दिया गया है। भाई यहाँ पे मशीन की चीजें हैं ना, मशीन, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द ट्रेनिंग, हाउ यू हैव ट्रेंड योर मशीन। इवन दो जैसे हम लोगों को माइंड है, हम लोगों ने अपने माइंड को कितना ट्रेंड किया है, जिस डायरेक्शन में ट्रेंड किया है माइंड उसी डायरेक्शन में सोचता है ना। ठीक है, माइंड को अगर अच्छे डायरेक्शन में आपने ट्रेंड किया है तो हमेशा अच्छी चीजें ही सोचेगा। अपोजिट नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेंड किया है तो नेगेटिव चीजें ही सोचेगा। सो जनरेटर आउटपुट इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द डिस्क्रिमिनेटर इनपुट्स। जनरेटर का आउटपुट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डिस्क्रिमिनेटर इनपुट। पहले जनरेटर आउटपुट तैयार करेगा, किसी चीज की डुप्लीकेट कॉपी या फेक कॉपी तैयार करेगा, वही डिस्क्रिमिनेटर के लिए क्या होगा, इनपुट होगा। तभी तो डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, उस इमेज को इनपुट लेगा और तब जाकर के उसको आइडेंटिफाई करेगा दिस इमेज इज करेक्ट और नॉट। आप कई बार देखते होंगे यूट्यूब पे भी फेक न्यूज आते हैं कि नहीं, ये सारे करेक्ट होते हैं, ऑथेंटिकेटेड होते हैं। सर यस तो कभी 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 पुराने न्यूज हमने देखा है उसमें मतलब ऐसा वो सब बना दिया जाता है एडिटिंग करके, एक से एक एक्सपर्ट होते हैं एडिट करने वाले, कि लगता है कि कोई रियल पर्सन ही बोल रहा है, जबकि वो रियल पर्सन नहीं बोलता है, वो बनाया गया होता है, उसकी इमेज लगा करके वो बोलता भी है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल वही बोल रहा है वो, उसकी ऑडियो ग्राफिक्स पता नहीं कैसे वो सब सेट कर देते हैं, हैं जो एक्सपर्ट होते हैं सब काम करने वाले, लेकिन सर, डबिंग कोई जब आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट भी एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं। ठीक है। सो थ्रू द बैक प्रोपेगेशन द डिस्क्रिमिनेटर क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ सिग्नल दैट जनरेटर यूजेस टू अपडेट इट्स वेट।
जैसा कि न्यूरल नेटवर्क में हम लोगों ने पढ़ा होगा, याद होगा आपको, इनपुट्स एंड करस्पॉन्डिंग देयर वेट्स, इट गोज टू हिडन लेयर्स एंड देन इट विल जनरेट द आउटपुट्स. सो फॉर ईच एंड एवरी डिस्क्रिमिनेटर्स द जनरेटर आउटपुट इज कंसिडर्ड एज द इनपुट फॉर द डिस्क्रिमिनेंट्स. नाउ कम ऑन द इंडिविजुअल रोल फॉर डिस्क्रिमिनेटर एंड जनरेटर. इसमें जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क में सिर्फ दो चीजें ही हैं, डिस्क्रिमिनेटर एंड जनरेटर, एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, प्रतिद्वंदी हैं जिसको आप बोल सकते हो. डिस्क्रिमिनेटर का अपोजिट जनरेटर, जनरेटर का अपोजिट डिस्क्रिमिनेटर. जनरेटर को फार्गर भी बोलते हैं, जालसाजी जिसको कहा जाता है, नकलची जिसको बोला जाता है, किसी का मतलब नकल करके डुप्लीकेट चीजें बनाना. सो डिस्क्रिमिनेटर इन द जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क इट इज सिंपली अ क्लासिफायर, ट्राइज टू डिस्टिंग्विश रियल डेटा फ्रॉम द डेटा क्रिएटेड बाय द जनरेटर. जनरेटर ने जो डेटा क्रिएट किया है उस डेटा को रियल डेटा से मैच कराएगा और देखेगा कि क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं. इट कुड यूज एनी टाइप ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर एप्रोप्रिएट टू द टाइप ऑफ डेटा इज क्लासिफाइड. कोई भी आर्किटेक्चर यूज करे, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करे, इट डजंट मैटर. लुक एट दिस एग्जांपल, दिस इज द बैक प्रोपेगेशन इन द डिस्क्रिमिनेटर ट्रेनिंग. ये जब ट्रेनिंग प्रोग्राम डिस्क्रिमिनेटर का चलता है उसमें बैक प्रोपेगेशन का एग्जांपल है. रियल इमेज goes into the discriminator and corresponding their duplicate image also goes into the discriminator. Discriminator will calculate how much differences will found, that difference is known as in terms of loss. ठीक है, वो loss के terms में जाएगा और वहीं फिर generator को क्या करता है, notify करता है कि इसमें जनरेटर लॉस कितना है. मैथमेटिकल कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसके थ्रू कैलकुलेट किया जाता है कि जनरेटर लॉस कैसे निकलता है, डिस्क्रिमिनेटर लॉस कैसे निकलता है. निकलता दोनों है, जब डिस्क्रिमिनेटर कैलकुलेट करता है तो दोनों टाइप के लॉस होते हैं. सो डिस्क्रिमिनेटर ट्रेनिंग डेटा कम्स इन टू सोर्सेस. डिस्क्रिमिनेटर के पास जो डेटा आते हैं दो सोर्सेस से आते हैं, या तो रियल डेटा आएगा या तो फेक डेटा आएगा, कोई थर्ड डेटा नहीं आता. या तो रियल डेटा उसके पास आया या तो जनरेटर द्वारा बनाया हुआ फेक डेटा आया. सो रियल डेटा इंस्टेंस सच एज रियल पिक्चर ऑफ पीपल्स, किसी पीपल का रियल इमेज हो. द डिस्क्रिमिनेटर यूजेज दिस इंस्टेंस एज अ पॉजिटिव एग्जाम्पल ड्यूरिंग द ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, अगर रियल डेटा का एग्जांपल देगा तो इन पॉजिटिव एग्जांपल के रूप में देगा, और फेक डेटा का देगा तो नेगेटिव एग्जांपल के रूप में देगा. बिकॉज फेक डेटा इज क्रिएटेड बाय द जनरेटर. तो कोई भी चीजें अगर फेक बन रही हैं तो वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. हम भी जैसे बीच बीच में आपको कभी रियल एग्जांपल देते हैं तो कुछ नेगेटिव चीजों को लेकर के कुछ पॉजिटिव चीजों को लेकर के बाइफरकेट कर देते हैं. सो इन द अबव फिगर्स देयर आर टू सैंपल बॉक्सेस दैट इज रिप्रेजेंट्स द टू डेटा, रियल एंड जनरेटर फेक डेटा. सो दिस टू डेटा सोर्स फीडिंग इन टू द डिस्क्रिमिनेटर, दोनों डेटा डिस्क्रिमिनेटर के अंदर जा रहे हैं. और ड्यूरिंग डिस्क्रिमिनेटर ट्रेनिंग द जनरेटर डज नॉट ट्रेन. जब ये दोनों डेटा इनपुट हुए जनरेटर के पास, डिस्क्रिमिनेटर के पास, तो उस टाइम जनरेटर का ट्रेनिंग प्रोग्राम सब खत्म हो जाएगा, फिर डिस्क्रिमिनेटर अपना लॉजिक लगाएगा. इट्स वेट रिमेन कंस्टेंट व्हाइल इट प्रोड्यूस एग्जांपल फॉर द डिस्क्रिमिनेटर टू ट्रेन ऑन. तो इनकी जो करेस्पॉन्डेंस वेटेज रहेंगे वो कंस्टेंट बने रहेंगे along with their discriminator training also. So some training of the discriminator, like as a discriminator connect to two loss function, दो loss function होते हैं, जैसा कि above diagram में अभी दिखाया गया है, generator loss and discriminator loss. ठीक है, तो दो loss function होते हैं. This can be calculated by the mathematical formula and graph also. So you don't need to calculate these things.
ड्यूरिंग डिस्क्रिमिनेटर ट्रेनिंग इट क्लासिफाई बोथ द रियल डेटा एंड फेक डेटा फ्रॉम द जनरेटर, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट है डिस्क्रिमिनेटर लॉस पेनलाइज द डिस्क्रिमिनेटर फॉर मिस क्लासिफाइंग अ रियल इंस्टेंस एज फेक और फेक इंस्टेंस एज रियल. डिस्क्रिमिनेटर लॉस फाइंड आउट करेगा बोथ टाइप ऑफ लॉस, जनरेटर लॉस एज वेल एज डिस्क्रिमिनेटर लॉस. जो जनरेटर लॉस होगा उसके करेस्पॉन्डिंग क्या करेगा, जनरेटर को पेनलाइज करेगा. व्हाई यू हैव डन सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स, बिकॉज यू हैव डन अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स फॉर द रियल वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड इफ यू आर वर्किंग इन अ इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन, सो फॉर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. Now come on the generator portion. The second part is the generator. Generator part of adversarial network. It learns sir, to create a fake data. Sir, इसमें loss क्या होता है? Discriminator loss और वो generator loss पता है? उसमें loss क्या होता है उसका? Loss बेटा mathematical formula द्वारा calculate किया जाता है. Loss वो होता है कि suppose that आपने कोई mistake create किया और उस मिस्टेक की वजह, सपोज दैट वी आर वर्किंग इन अ ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, आपकी मिस्टेक की वजह से, आपका मिस्टेक स्टार्टिंग में नहीं पकड़ में आया, चार महीने बाद पकड़ में आया, उस मिस्टेक की वजह से सपोज दैट हमारे ऑर्गेनाइजेशन का चार महीने में 10 लाख रुपए का लॉस हो गया. ओके सर, वो लॉस कौन फुलफिल करेगा? वो जिसने मिस्टेक किया वो करेगा. yes, ठीक है. तो लॉस हर एक टर्म में लॉस बन, जैसे कि आप मैथमेटिक्स में आप लोगों ने सिंपल एरर पढ़ा होगा, एरर के टाइप्स, ठीक है. यस सर, एरर्स क्रिएट हो जाते हैं. सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज जनरेटर. द जनरेटर पार्ट ऑफ दिस एडवर्सियल नेटवर्क इट टू क्रिएट अ फेक डेटा बाय इनकॉर्पोरेटिंग फीडबैक फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेटर. डिस्क्रिमिनेटर तो ये जो लॉस हो रहा था, ये फाइनेंशियल लॉस को ही सिर्फ दिखा रहा है सर? नहीं, जस्ट आई एम गिविंग यू अ रियल एग्जांपल. फाइनेंशियल का हमने आपको रियल एग्जांपल लेकर के दिखाया है, यहाँ पे डेटा के लॉस के बारे में बता रहा है वो. डेटा का लॉस सर, डेटा का लॉस का मतलब ये, जैसे रियल इमेज और फेक इमेज का हमने उसको कराया डिस्क्रिमिनेट, उसको आइडेंटिफाई किया, तो लॉस का ये मतलब होगा शायद कि रियल और वर्चुअल जो आप फेक डेटा दिए उसमें कितना डिफरेंस है. हाँ? बहुत ज्यादा डिफरेंस है या बहुत कम डिफरेंस है? हाँ? वही तो लॉस हुआ, वही लॉस हुआ ना, उसमें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं सर? मतलब रियल और वर्चुअल में जो डिफरेंस है वो लॉस है. हेलो हेलो. हाँ हाँ बताओ बेटा. सर मतलब कि रियल और वर्चुअल में जो डिफरेंस है, जो डिस्क्रिमिनेटर फाइंड कर रहा है वो लॉस है. हाँ हाँ, उसी से तो लॉस फाइंड आउट होगा. कि मान लो कि जैसे कि हमने डेटा के इक्विवेलेंट डुप्लीकेट डेटा तैयार किया, वर्चुअल डेटा तैयार की, हाँ, तो उसमें हो सकता है कि उतना वर्चुअल डेटा न तैयार कर पाए. अगर बिल्कुल उसी के इक्विवेलेंट तैयार कर लिया तब तो कोई डिफरेंसेस नहीं, लॉस जीरो आ जाएगा, तब तो लॉस जीरो हो जाएगा ना, तब कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट पार्ट इज द जनरेटर. एट दिस फिगर जनरेटर देयर आर 4 पॉइंट्स ड्यूरिंग द जनरेटर ट्रेनिंग्स. जनरेटर ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू व्हाट अबाउट द जनरेटर, इट्स अ फार्गर. सो रैंडम इनपुट, द इनपुट कम्स in the generator box, that is random inputs, real image या real things ही उसके mind में आया, उसके according वो धीरे धीरे input देना तैयार किया, बनाना तैयार किया. जो real copy हो तो है ही, real के equivalent, और वो धीरे धीरे उसके एक एक parts को लेकर के input दे रहा है, input दे करके उसको बनाते 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 real की तरह sample बनाया. So generator network which transform the random input into a data instance. Data यहाँ पे हम लोग हर चीज डेटा के बारे में ही बात कर रहे हैं, बिकॉज अगर रियल पिक्चर और इमेज की बात करें तो इमेज भी हमारा एक डेटा है,
उसका कंट्रास्ट कितना है, ब्राइटनेस क्या है, पिक्सल क्या है, उसमें बहुत सारे डेटा यूज हुए हैं। तो हर एक चीज अगर अलग अलग कैलकुलेट करें तो इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो वो क्या करता है जनरेटर, ये डेटा इंस्टेंस में ट्रांसफॉर्म करता है, डेटा जो हमारा रियल डेटा है उसी के इक्विवेलेंट इनपुट लेते लेते धीरे धीरे उसी कॉपी बनाने की कोशिश करता है। तो डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क क्या करता है कि जब जनरेटर द्वारा जो जनरेटेड डेटा है उसको क्लासिफाई करने की कोशिश करता है कि जनरेटर ने क्या डेटा जनरेट किया है, उसको क्लासिफाई करेगा एंड देन उस डेटा पे प्रोसेसिंग करेगा डिस्क्रिमिनेटर, एंड देन डिस्क्रिमिनेटर विल जनरेट द आउटपुट। डिस्क्रिमिनेटर क्या जनरेट करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा। और डिस्क्रिमिनेटर द्वारा जनरेटेड आउटपुट जनरेटर लॉस विच पेनलाइज द जनरेटर फॉर फेलिंग टू फूल द डिस्क्रिमिनेटर। भाई जनरेटर का वर्क क्या हो, डिस्क्रिमिनेटर को फूल बनाने की कोशिश कर रहा है, मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उसने जितना जनरेटर को मूर्ख बनाने की कोशिश किया, फुल बनाने की कोशिश किया, उसी के इक्विवेलेंट जनरेटर ने डिस्क्रिमिनेटर ने जनरेटर को पेनलाइज कर दिया। मान लो सपोज दैट आप इस लेवल पे हो तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते होगे, या किसी इंडस्ट्री के बारे में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करो, इंडस्ट्री में काम करो, कंपनी में काम करो, किसी के यहाँ जॉब करो। तो होता यह है कि जॉब ओब में, जैसे आप वहाँ के एम्प्लॉई हो और वहाँ का मालिक है, उस इंडस्ट्री का मालिक है, तो जितने भी एम्प्लॉई काम करने वाले होते हैं उनको सैलरी तो देता ही देता है, और सैलरी के अलावा उनको जो भी एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं, जैसे मान लो कंपनी के काम के लिए कोई बाहर गया उसका जो फेयर लगेगा, या कंपनी के काम से कोई कहीं गया उसके बाइक का जो फ्यूल लगेगा, होटल के रहने का चार्ज होगा, खाने का चार्ज होगा, वो सब कंपनी कहता है कि आप चले जाओ यहाँ पे ये काम कर लो, जो भी आपके चार्जेज हैं, जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो मैं आपको दे दूंगा, आप बिल बनवा करके लेते आना, मैं रिमर्स कर दूंगा, वो रिटर्न कर दूंगा आपको। तो मान लो कि वो बंदा मार्केटिंग का काम कर रहा है, वो बाहर जा रहा है और वो हर बार फेक बिल बना रहा है, अगर उसका 500 रुपए एक्सपेंसेस हुए तो 1000 का बिल बना करके बाहर से ले आया, कंपनी से रिटर्न करा लिया, तो वो बार बार डिस्क्रिमिनेटर को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है ना जनरेटर। हेलो सर, खर्चा उसका 500 रुपए हुआ और बिल 1000 का बिल बनवा के ला करके पैसा वापस ले लिया 1000 रुपए। तो बार बार डिस्क्रिमिनेटर को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। मान लो कि अगर वो 4 महीने तक यही काम किया और 4 महीने में उसने कंपनी से 10,000 रुपए बेवकूफ बना करके डिस्क्रिमिनेटर को मूर्ख बना के ले लिया, और जिस दिन वो पकड़ में आएगा, सो विच पेनलाइज द जनरेटर फॉर फेलिंग टू फूल द डिस्क्रिमिनेटर। फोर्थ पॉइंट, ये जनरेटर जो बार बार डिस्क्रिमिनेटर को फुल बना रहा है, मूर्ख बना रहा है, और जिस दिन इसमें डिफरेंसेस पकड़ में आ जाएंगे और जब बैठ करके वो कैलकुलेट करेगा कि ये काम तो ये 4 महीने से कर रहा है, इसमें मेरा 10,000 रुपए का नुकसान इसने किया, वो 10,000 पेनल्टी उसी जनरेटर पे लगा देगा, लो बेटा भरो। जितना लॉस होगा उतनी ही पेनल्टी लगाएगा उसको ना। यस सर, यस सर। Okay, so look at this image and this going random input to the generator. Generator creates a copy of fake data and it goes into the discriminator. Discriminator will identify the discriminator loss and generator loss. If found, then back propagation, discriminator will penalize generator for those loss. सो रैंडम इनपुट्स क्या होते हैं कि इन द न्यूरल नेटवर्क्स नीड सम फॉर्म ऑफ इनपुट्स, नॉर्मली वी इनपुट डेटा, वी वांट टू डू समथिंग विद लाइक एन इंस्टेंस दैट वी वांट टू क्लासिफाई टू मेक अ प्रेडिक्शन अबाउट। जैसा कि न्यूरल नेटवर्क में हम लोगों ने पढ़ा है कि फर्स्टली इनपुट डेटा कम्स इनटू द इनपुट लेयर एंड देन दोज डेटा गोज इनटू द हिडन लेयर। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटर हिडन लेयर की तरह बैठा हुआ है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट न्यूरल नेटवर्क से ही उठाया है, इनपुट डेटा के बारे में बताया है, एंड इस तरह से आप लोग जो है इसके बारे में
इसका नोट्स मैं अभी आज अटैच कर दे रहा हूँ और वीडियो दोनों, तो इसको आप देख लीजिएगा। आपका यूनिट फोर्थ फिनिश, अब यूनिट सेकंड और फाइव बचा है, दो यूनिट, अब उनमें से कोई एक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्म पे।